देश इस वर्ष के चुनौतीपूर्ण ग्लोबल और क्षेत्रीय वातावरण में एससीओ के प्रभावी नेतृत्व के लिए मैं प्रेसिडेंट मेडवेदेव को हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मेडवेदेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे
आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।